देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबैक बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर कालाडूंगी से है। कालाडूंगी में आज श्री राम रामलीला के तीसरे दिन मंचन आरती से शुरू हुआ। स्थानीय कलाकारों के द्वारा आरती का आयोजन किया गया। आरती के बाद रामलीला में तारकावध लीला का मंचन हुआ। इस दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारी द्वारा थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत व LIU इंस्पेक्टर महेंद्र नेगी को बेच लगाकर सम्मानित किया गया। LIU नेगी ने मंच के माध्यम से लोगों को अपने बच्चों को नशे से दूर रखने की अपील की। उन्होंने कहा, आजकल नशा छोटे छोटे बच्चों में देखा जा रहा है, इसलिए हमको उस पर ध्यान देना होगा। और कहा, भविष्य को देखते हमेशा आगे बढ़ने और कुछ अच्छा बनने की सोच रखें। किसी भी तरह की गलत संगत पढ़कर अपने भविष्य को बर्बाद न करें। इस दौरान लीला मंचन के तीसरे दिन कलाकारों ने तारकावध की लीला का भावपूर्ण मंचन किया। भीषण युद्ध में तारका का अंत हुआ। तारका का वध होते ही उपस्थित लोग प्रभु श्री राम के जयकारे लगाने लगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं कालाडूंगी से, मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। यहाँ पर रामलीला का तृतीय दिवस है और बहुत सुंदर में यहाँ की रामलीला चलाई जा रही है, हो रही है। और पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला हुआ है। अभी यहाँ पर नए थाना अध्यक्ष भी आए हुए हैं, नंदन सिंह रावत जी, उनका हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है, पूर्ण सहयोग मिल रहा है। वो तो यहाँ पर महिला कॉन्स्टेबल उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उनके द्वारा, और पुलिस कॉन्स्टेबल है यहाँ पर। और हम चाहते भी यही थे, अध्यक्ष से हमने बात भी करी थी कि यहाँ पर थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से कोई अराजकता ना हो कि पुलिस व्यवस्था हमें उपलब्ध करा दे। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें पुलिस व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करा रखी है। और रामलीला का मंचन बहुत सुंदर रूप से हमारा